पाकिस्तान इस समय सबसे बड़े आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है। इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से बेल आउट पैकेज की सख्त जरूरत है, लेकिन अभी भी वो मिलना नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में IMF की टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी, लेकिन बिना कुछ कहे दौरा खत्म कर वापस लौट गई। अब खबर है कि पहले से ही आर्थिक बदहाली झेल रही जनता को खून चूसने की तैयारी पाकिस्तान की सरकार कर चुकी है। जल्द ही पाकिस्तान टैक्स बढ़ाने वाला है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने शुक्रवार 10 फरवरी को टैक्स बढ़ाने का संकेत दिया है। इशाक डार ने इमरान खान पर देश को आर्थिक विनाश में धकेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन चीजों को ठीक करना जरूरी है। ये सुधार दर्दनाक है, लेकिन जरूरी है। नए टैक्स की कर रहा है तैयारी। पाकिस्तानी वित्त मंत्री IMF के साथ हुए समझौतों के बारे में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। IMF की टीम 31 जनवरी से 9 फरवरी तक 10 दिनों के पाकिस्तान दौरे पर थी। टीम पाकिस्तान सरकार को 7 अरब डॉलर के कर्ज कार्यक्रम को लेकर समीक्षा करने आई थी। उसे यहाँ समझौता पर सहमति बनानी थी, लेकिन यहाँ उसने पाकिस्तान को नियम और शर्तों का ज्ञापन पकड़ा लिया और फिर बिना कुछ कहे वापस लौट गई। पाकिस्तानी वित्त मंत्री की सफाई। प्रतिनिधिमंडल के बिना बयान दिए वापस लौट जाने से पाकिस्तान में भ्रम की स्थिति है। इसे साफ करने के लिए वित्त मंत्री शुक्रवार को सामने आए और जोर देकर कहा कि कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने बताया कि हमने IMF प्रतिनिधिमंडल से जोर देकर कहा है कि वो हमें वित्तीय और आर्थिक नीतियों के लिए ज्ञापन का मसौदा भेज दे ताकि हम इसे देख सकें। डार ने कहा कि शुक्रवार सुबह उन्हें IMF से मसौदा मिल गया है। डार ने यह भी बताया कि सोमवार को IMF के अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग होगी। जनता पर पड़ने वाली है दोहरी मार। इस दौरान ही डार ने बताया कि सरकार और IMF के बीच नए टैक्स लगाने पर सहमति हुई है, जिसके तहत 170 अरब रुपए का टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश भी करेगी कि करों का सीधा बोझ आम आदमी पर न पड़े। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने बताया कि टैक्स लगाने के लिए सरकार वित्त विधेयक या अध्यादेश लाएगी। यानी इतना तय है कि पहले से ही महंगाई से जूझ रही पाकिस्तान की जनता पर दोहरी मार पड़ने वाली है। संकट में है पाकिस्तान। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिरता जा रहा है। सरकार के पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, जिसके चलते देश में पेट्रोल की किल्लत हो गई है। लोग पेट्रोल के लिए भटक रहे हैं। पंजाब में तो हालात बदतर हो गए हैं। सबसे बड़े शहर लाहौर में 450 पेट्रोल पंप में से 70 में तेल ही नहीं है। वहीं सिंध प्रांत की राजधानी कराची में व्यापारियों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है।